भाई जा फटाफट, अब थोड़ी सी आंधी कम हो गई है, कम कर दिया आंधी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने फॉर्म को सही किया है। अब वो आंधी को सही किया जाता है यार, आंधी की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसकी वजह से। ठीक है, बेसिक मैथ तो दिखी हुई होगी। चलो ठीक है, बाल भी खड़े हो गए हैं। स्टार्ट करें क्या? सेकंड हैंड कैमरा ले लो, हम कोशिश करेंगे यार, कोशिश करेंगे लेंगे। ठीक है चलो, आज स्टार्ट कर लेते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन से। अभी फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं हम। ठीक है चलो, अच्छा सा एक क्वेश्चन है। जैसे कि एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है, फटाफट कीजिए। ठीक है ना, लाइक कर दो, लाइक कर दो भी, हाँ लाइक भी कर दीजिए, आ गए हो तो। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए भैया। इन इक्वालिटीज में सर्कल साइन की ट्रिक बताना प्लीज भैया, सर्कल साइज भैया, इन इक्वालिटीज में सर्कल साइन की ट्रिक मेरे को समझा नहीं। सर्कल साइन, अच्छा मतलब कहाँ पर डायरेक्ट सर्कल आएगा, कहाँ पर हॉलो सर्कल आएगा। ठीक है ना, आपके यहाँ तो कोई जुड़ ही नहीं, यहाँ है, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे यार। अभी तो नए नए स्टार्ट किया है बहुत से, अभी तो पूरा काफिला जुड़ना बाकी है। ठीक है ना, सर्कल साइन का भी मैं बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा। देखिए कैसे करना है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूँ। चलो इसमें ना है ना, आपको देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, एक इक्वालिटी इन इक्वालिटी दे रखी थी, एक असमिका दे रखी थी, एक असमिका को हम सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें दो दे रखी है, ये भी दे रखी है और ये भी दे रखी है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, सही है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिख लिया, इसको लिखा तो एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि भैया राइट हैंड साइड में जीरो है या नहीं है। ठीक है, कितना आप कितना टाइम चेंज कर दो, कोई नहीं, चेक चेंज कर देंगे फिलहाल। तो यार देखो कि एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है। ठीक है, अब जो है ना ये आपका पहला चेक हो गया। दूसरी बार हम क्या करेंगे कि जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दे रखी है ना, इसके रूट निकाल लेंगे, कितना आ गया, जीरो आ गया, सॉरी दो आ गया। एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल कर दिया तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, दो मिल गई। तो इसको अब नंबर लाइन पर खड़ा कर देते हैं, बिठा देते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, यहाँ पर दो को हमने रख लिया, दो यहाँ पर दो सेक्शन बना है, एक ये और एक ये, दोनों के साइन चेक कर लेते हैं। साइन चेक करने के लिए हम देखेंगे दो से ज्यादा जाएंगे, दो से ज्यादा तीन लिया तो क्या आ गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पॉजिटिव। और यहां पर दो से कम लिया तो मान लीजिए एक ले लिया, तो एक लेने पर क्या आ रहा है, आवाज आ रही, हाँ ठीक है आवाज आ रही है ना, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा दो से कम लिया एक आ गया, एक लिख लिया तो एक माइनस दो कितना गया, माइनस का एक नेगेटिव का साइन आ गया है। ठीक है, तो यहां पर आ गया नेगेटिव, इतने आप समझ चुके होंगे। अब आपको वो अजय बोल रहे थे कि आपको सर्कल का प्रॉब्लम आया, ठीक है ना, सर्कल वाली। अब मैं बताता, देखिए सर्कल वाला क्या है, देखिए जहां कहीं भी ये इक्वेस्ट का साइन लिखा हो ना, इन इक्वालिटी में इक्वल का साइन भी दिख जाए ना, वहां पर आपको डायरेक्ट सर्कल लेना है। और जहां पर इक्वल का साइन नहीं दिखे ना, वहां पर आपको होलो सर्कल लेना है। ये सिंपल सी बात है, क्या है, जहां कहीं भी इन इक्वालिटी में इक्वेस्ट का साइन दिख जाए नीचे, वहां पर तो क्या लेना है, आवाज नहीं आ रही है क्या, हेलो भैया आ रही है आवाज, आप अपना फोन चेक कीजिए, आपका भी शायद मेरे जैसा ही फोन है, देखिए आवाज आ रही है शायद तक, हाँ आ रही है। ठीक है, आपका भी शायद मेरे जैसा फोन हो गया है, थोड़ा सा काफी पुराना मॉडल हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे कि जहां पर इन इक्वालिटी में इक्वेस टू का साइन आ गया ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम डार्क सर्कल लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेस का साइन है तो हम डार्क सर्कल लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि जीरो से बड़ा कहाँ पर है, ये वाला, तो ये वाला हम भाग ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो से बड़ा, यहाँ पर इक्वेस का साइन है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम डार्क सर्कल ले लेंगे। आ गया समझ में, ठीक है, आपके साथ फोन में प्रॉब्लम है, सभी को आ रही है आवाज, ठीक है आवाज आ रही है तो यस लिख के भेज दीजिए एक बार। अब देखिए कौन सा वाला भाग आ गया, हमारा ये वाला भाग आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स का कौन से भाग से आता है,
दो से इनफाइनाइट, ठीक है। अब आगे आकर देखिए, जहां भी आपको डार्क सर्कल दिख जाए ना, वहां आपको कहा क्या लगाना है, इस क्लोज ब्रैकेट को लगाना है, और क्लोज ब्रैकेट और यहां पर तो ओपन ब्रैकेट ही आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक को हमने सॉल्व किया, इस दूसरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो है हम दो दो क्वेश्चन साथ में ले रहे हैं, ठीक है, अजय कुमार बोल रहे हैं यस। अच्छा, इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इंटू एक्स प्लस फोर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने चेक किया कि राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है। हाँ भैया, राइट हैंड साइड में जीरो है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में यहाँ पर रूट निकालेंगे। एक्स माइनस तीन का रूट आ जाएगा तीन, और एक्स प्लस फोर का रूट आ जाएगा माइनस का चार, ठीक है। इसको हम नंबर लाइन पर रखेंगे, ये हमने नंबर लाइन पर रख लिया, माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। माइनस का चार और प्लस का तीन, दो तीन सेक्शन हो गए, एक दो और तीन, तीनों के हम साइन चेक करेंगे, तीनों के निशान चेक करने वाले हैं, ठीक है। निशान हम चेक करेंगे, तो देखिए, तीन से ज्यादा लिया, तीन से ज्यादा लिया चार, तो चार माइनस तीन प्लस आ जाएगा, और ये भी प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। और माइनस चार और तीन के बीच सस्ता सुंदर टिकाऊ जीरो ही है, तो जीरो हमने ले लिया, तो जीरो माइनस तीन माइनस का तीन, और ये प्लस का चार, तो नेगेटिव आ जाएगा, प्लस माइनस नेगेटिव माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस का चार से कम लिया हमने, लिया लिया हमने माइनस का पांच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पांच प्लस चार, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है भैया, इतना आपको जो है समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है, लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है, क्या चल रहा है, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव चल रहा है मतलब हमें नेगेटिव वाला भाग लेना है। अब देखिए, जो सर्कल का डाउट पूछ रहे थे उनको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर इक्वल टू का अगर साइन है ना, तो हम इस डार्क सर्कल को लेंगे, इस भरे हुए वृत्त को लेंगे। हाँ, हमने ले लिया, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसको x कहां से बिलोंग करेगा, जहां पर भी आपको डार्क सर्कल दिख जाए ना, वहां पर क्या लगाना है, इस क्लोज ब्रैकेट को लगाना है, तो -4 से 3 आपका आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया है क्या? ठीक है, सर्वन कुमार प्लीज, आप फिजिक्स केमिस्ट्री यहां देखेंगे आगे, फिलहाल तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना यहां तक समझ में? अब हम कह रहे हैं, देखिए यहां पर एंड लिखा है, एंड मतलब इसको भी सॉल्व कीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिए, एंड का मतलब होता है और, ठीक है ना, और इसको भी सॉल्व कीजिए। तो यहां पर अब हमें इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। अब तक हमने यूनियन ही पढ़ा है, यूनियन क्या करता है, दो लोगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन क्या करेगा, दो लोगों में जो कॉमन होगा ना, उसको लेने का काम करेगा। जैसे कि देखिए, इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़े, ठीक है, शायद दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, एक बड़ी सी नंबर लाइन बनाई, बनाई ना हमने बड़ी सी नंबर लाइन बनाई, ठीक है। यहाँ पर जो इसके ऊपर वैल्यू है उसको भी लिख लो, और इसके ऊपर है उसको भी लिख लो, क्या सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट से प्लस का फाइनाइट, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके, माइनस का चार, उसके बाद दो, और उसके बाद तीन, ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद जो है ना, अब इसको देखिए, ये कितना है, दो से आगे है ना, दो से इस साइड है, तो ये आपने लिख लिया, ये आपके दो से इस साइड हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से, बात समझ गए? हाँ भैया, इतना तो आता है समझ में। जो यहाँ पर है ना, उसके जस्ट इसके जैसा यहाँ पर भी बना दीजिए। हाँ भैया, बना दिया। अब इसको भी यहाँ पर जो है ना, जो यहाँ पर दिख रहा है ना, उसके जैसा यहाँ पर भी बना लीजिए, ये आपने बना लिया भैया, देख लीजिए, ये इस तरीके से कुछ हो गया। हाँ भैया, हो गया, हो गया ना, ये कुछ समझ में आता है। अब इसको देख कर हमें ये बात समझ में आई कि इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है, यहां से ये वाला भाग कॉमन आ रहा है, देखिए ये वाला भाग जो है वो कॉमन आ रहा है। हाँ भैया, समझ में कुछ तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि भैया ये वाला भाग जो है वो क्या है, कॉमन है। हाँ भैया, आ गया समझ में। अगर ये वाला भाग कॉमन है तो ये कहां से कहां तक है, ये दो से तीन तक है, क्या है, दो से तीन तक। तो एक्स की हमारी जो फाइनल वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू हम बात करें तो ये क्या आ जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू दो से, देखिए दो से तीन, ठीक है, दोनों के ऊपर क्लोज, ये आपके डार्क सर्कल है, भव्य सर्कल, तो ये आपके क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। आ गया क्या समझ में, इतना ये समझ में आ गया क्या, ये देखो, ठीक है ना। इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, दोनों में हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन भैया क्या है, ठीक है ना, कॉमन हमने ले लिया ना, उसके बाद हमने एक जैसा ये आपका भाग देख लिया, और वो भाग हमारा लास्ट में आंसर हो जाएगा, ठीक है, आ गया होगा समझ में। वीडियो बनाया करो, ओपन कैमरा से मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अब तो लाइव है ना, लाइव तो यूट्यूब से ही आता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इस क्वेश्चन को फिलहाल समझो या उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया है? अच्छा, नहीं आया, कहाँ पर नहीं आया, देखिए मैं वापस बताता हूँ, वापस इसको रिविजन करते हैं। आपको अब तक जो है ना, अगर आपने पिछली क्लास देख रखी है, तो अब तक हमने क्या किया है कि सिर्फ एक
असमीका होती है ना उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दो असमीका दे रखी है, पहली तो ये और दूसरी ये, और इन दोनों को साथ साथ में सॉल्व करना है कि इन दोनों का कंबाइन आंसर क्या होगा। तो पहले हमने इसको अलग से सॉल्व कर दिया, उसके बाद इसको अलग से सॉल्व कर दिया। ये आपको सॉल्व करना आता है, ये तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जो है ना हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन कौन सा पार्ट है उसको लेंगे। कॉमन पार्ट को लेने के लिए एक हम बड़ी सी नंबर लाइन बनाएंगे, और इस बड़ी सी नंबर लाइन के ऊपर जो इसके ऊपर संख्या है उसको भी लिखेंगे यहाँ पर, और जो इसके ऊपर संख्या है उसको भी यहाँ पर लिखेंगे, और दोनों का यह आपके जो भाग होते हैं इलाके हैं ना, दोनों के इलाके को यहाँ पर हम रखेंगे कि अच्छा इसका इलाका 2 से आगे वाला है और इसका इलाका -4 से 3 तक है, ठीक है। अब इन दोनों के इलाकों में जो कॉमन इलाका होगा ना, कॉमन इलाका कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तो ये कॉमन इलाका ही इन दोनों का फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, x belongs to 2 से 3, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। आप टाइम जल्दी करो, सारे दिन में नेट बीत जाता है, तो कोई नहीं, थोड़े से मैच वैच कम देखा करो, पबजी कम खेला करो, ठीक है, हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े और हम बात करते हैं एक बढ़िया सा कंसेप्ट, एक बढ़िया सा, अब देखिए लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है, लेवल बढ़ाऊंगा मैं आपको, मैंने बोल रखा है कि जेई लेवल तक पढ़ाऊंगा, तो उस जेई लेवल तक भी हम पहुंचेंगे। अब हम बात करते हैं डबल इनइक्वालिटीज की, किसकी, डबल इनइक्वालिटीज, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है यह इनइक्वालिटी, ठीक है। अच्छा हिंदी में इसको बोलते हैं दो गुणी या फिर दो असमीका वाले सवाल, दो असमीका असमीका वाले सवाल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको तीन इनइक्वालिटी साथ में दे रखी होगी, कितनी, तीन आपको असमीका साथ में दे रखी होगी, कैसे देखिए, ओके कोई बात नहीं। अच्छा तीन इनइक्वालिटी, जैसे कि देखिए मान लीजिए एक आपकी पी एक्स है, ठीक है, मान लीजिए आपको बोला गया इससे बड़ा है क्यू एक्स और क्यू एक्स से बड़ा है आर एक्स, ठीक है ना, क्या बोला है, पी एक्स से बड़ा है क्यू एक्स और क्यू एक्स से बड़ा है आर एक्स, इस तरीके का आपको कोई सवाल दिख रखा होगा, और इस सवाल में सम एम पूज में नहीं रखा, सर एम पबजी नहीं खेलता, अच्छा सर मैं पबजी नहीं खेलता, अच्छी बात है पबजी मत खेलो यार, पबजी कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। क्या बोला है कि पी एक्स बड़ा होगा क्यू एक्स बड़ा होगा किससे, पी एक्स से, और आर एक्स बड़ा होगा क्यू एक्स से। अब इसको हमें करना है सॉल्व, क्या करना है सॉल्व, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक भाग जो बीच वाला जो भाग होगा ना वो दोनों में आएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर दिया फिर हम सॉल्व कर देंगे इसको, और इन दोनों का जो कॉमन होगा ना, इन दोनों का जो आएगा कॉमन पार्ट होगा ना, इन दोनों का कॉमन पार्ट जो होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए फिलहाल तो आप, फिर उसके बाद हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, उसके ऊपर आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना, हाँ हाय हाय हाय, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन बोल दिया गया है, मान लीजिए एक्स तीन एक्स प्लस जैसे कि सिक्स एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन सिक्स एंड लेस देन बोल दिया गया है आपको, मान लीजिए 9, ठीक है ना, ये आपको बोल दिया गया है। ये सवाल समझ में आता है या नहीं आता है, अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए, ऐसा बोल दिया गया कि भैया आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए, सवाल समझ में आ गया ना, ठीक है। फिजिक्स के कैलकुलेशन हम बनाएंगे वीडियो, लेकिन कोशिश करेंगे फिलहाल तो मैथ ही करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखियो सबसे पहले तो भैया हम इसको ले लेते हैं, ये आपका पहला भाग हो गया, ठीक है। अच्छा इसको ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, क्या बोला है कि सिक्स इज ग्रेटर देन, क्या बोला है, सिक्स इज लेस देन, सिक्स इज लेस देन एक्स प्लस थ्री, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन सिक्स, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं भैया, हमने जब इसको देखा ना, ठीक है ना, अब हमारे बेसिक पे आ गए भैया, हमने जब इसको देखा ना तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर जीरो नहीं है, तो हम जीरो बनाएंगे, और जीरो बनाने के लिए भैया हम क्या करेंगे कि दोनों साइड 6 को घटा लेंगे, तो जब हम दोनों साइड 6 को माइनस करेंगे ना, तो एक्स प्लस थ्री माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्स माइनस सिक्स, जो कि कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक समझ में आया क्या, तो यहाँ
समय मिल जाएगा x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया है या नहीं आया? ठीक है, इतना में भैया समझ में आता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसके रूट निकालेंगे। इसका रूट भैया क्या आ गया, इसका रूट आ गया है तीन। ठीक है ना, तीन ही आएगा, इतनी बात समझ में आती है। अब इसको हम नंबर लाइन पर रख लेते हैं। हाँ भैया, हम बनाते हैं नंबर लाइन अच्छी सी, ये हमने बना ली और इसके ऊपर हम रख लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, और यहाँ से हो गया ये आपका तीन। तीन से हम दो भाग हो गए, एक ये और एक ये। तीन से हम जैसे ही ज्यादा गए, तीन से ज्यादा गए तो कितना जाएगा, चार। तो चार यहाँ पर रख लिए, रख लो चार, कितना जाएगा प्लस, और तीन से कम मान लीजिए दो रख लिए तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब आपको क्या बोला है कि यह पूरा जीरो से बड़ा होना चाहिए और इसके इक्वल भी होना चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं जीरो से बड़ा, ये आ गया जीरो से बड़ा और इसके इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हम तीन के ऊपर डार्क सर्कल लगाएंगे और डार्क सर्कल का मतलब होता है कि तीन को हम अपने आंसर में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा कितना, एक्स बिलोंग्स टू तीन से इनफाइनाइट। हाँ भैया, इतना समझ में आता है, आता है क्या? बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अच्छा अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे इसको। ठीक है ना, अब हमने ले लिया इसको, ले लिया। ठीक है, इसको ले लिया तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या बोल रखा है, एक्स प्लस थ्री, देखिए जस्ट इसके जैसे को लिख लीजिए यहाँ पर, एक्स प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू नाइन। हाँ भैया, समझ में आता है। इसको देखकर हमें यह लगा कि भैया इसके राइट हैंड साइड में तो क्या है, जीरो है ही नहीं, तो हमने जीरो बनाने के लिए दोनों तरफ क्या किया, नौ को माइनस कर दिया। ठीक है, नौ को माइनस कर दिया तो एक्स प्लस थ्री माइनस नाइन लेस देन इक्वल्स टू नाइन माइनस नाइन कितना होता है, जीरो। ठीक है, एक्स प्लस थ्री माइनस नाइन कितना हो गया, एक्स माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। हाँ भैया, समझ में आता है। ठीक है, अब इसके रूट निकाला, शून्य निकाला तो इसका आ गया छः। ठीक है, छः इसका शून्य का आ गया, तो हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट। यहाँ पर सिक्स रख लिया, ठीक है, सिक्स से ज्यादा प्लस आ जाएगा, सिक्स से ज्यादा सात रख लिया, सात माइनस एक क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का एक होगा तो ये प्लस आ गया, और सात छः से कम रख लिया मान लो पाँच, तो पाँच माइनस छः नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव वाला भाग हो गया। अब आपको कौन सा बोला भैया, अब हमें बोला गया है क्या, नेगेटिव वाला भाग, तो नेगेटिव वाले भाग में हम जाएंगे, ये आपका है नेगेटिव वाला भाग। ठीक है, अच्छा इक्वल टू का साइन आया, इसका मतलब हम किसको लगा लेंगे, इस डायरेक्ट सर्कल को लगा लेंगे, तो हमारा आंसर हो गया भैया माइनस का इनफाइनाइट से सिक्स। ठीक है, सिक्स के ऊपर क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, समझ में आ जाएगा यार मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लाइक कर दीजिए समझ में आ रहा है तो, फिलहाल तो समझिए। अब क्या करना है, अब आपको करना है इन दोनों का कॉमन पार्ट, इन दोनों का आंसर। ठीक है, अच्छा सिक्स आ जाएगा, ओके ठीक है, क्लियर क्लियर सिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, शायद दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा दिख रहा है तुमको। अब हम एक बड़ी सी नंबर रेखा बनाएंगे, आपको जब कभी भी क्या निकालना हो, इंटरसेक्शन निकालना हो तो एक हम बड़ी सी क्या बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, बड़ी सी नंबर लाइन बना ली, और इससे बड़ी सी नंबर लाइन के ऊपर जो इसके यहाँ पर जो वैल्यू है उसको भी रखेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू है उसको भी रखेंगे। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, तीन, ठीक है इसको रख लिया, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, सिक्स, इसको भी रख लिया। अब भैया इस वाले भाग, इस यहाँ पर जो जो भाग आ रहा है ना, वही भाग हम यहाँ पर भी बनाएंगे। यहाँ पर कौन सा भाग आ रहा है, तीन से ज्यादा, तो हमने बना लिया तीन से ज्यादा। ठीक है, ये आपका आ गया तीन से ज्यादा, ये ज्यादा का फायदा ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा है, तीन से छह से कम वाला इलाका, तो इसको हम छह से कम वाले इलाकों को लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हमने लिख लिया। ठीक है ना, इस तरीके से हमने बना लिया। हाँ भैया, अच्छा अब इसको देखकर हमें क्या लगा कि ना समझ नहीं आ रहा है, आप शायद लेट आए हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसकी दो क्लास हो चुकी है। ठीक है, अब इसको देखकर हमने ये कॉमन पार्ट निकाल लिया। देखिए, यह ऐसा भाग है जो इन दोनों में आता है। ठीक है, यह भाग जो है वो इसमें भी आता है और यह भाग इसमें भी आता है, इसलिए यह हमारा कॉमन पार्ट हो गया, और यहाँ पर इंटरसेक्शन ही निकाला जाता है। तो फाइनल वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, एक्स बिलोंग्स टू कितना, तीन से सिक्स। अच्छा, तीन के ऊपर क्लोज ब्रैकेट और सिक्स के ऊपर भी क्लोज ब्रैकेट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या समझ में आ गया है क्या, राजस्थान में स्कूल कब खुलेंगे, राजस्थान में स्कूल खुलने के लिए देखते हैं अभी 15 अगस्त के बाद, बिल्कुल आज ही अभी थोड़ा बहुत आया है, लेकिन फिलहाल इसको समझिए, इसको समझिए, ये क्या समझ में आ गया है या नहीं ये बता लीजिए। अगर समझ में आ गया है, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल थैंक यू क्रिस्टल, आपका क्लियर हो गया है। एक और सवाल कर लेते हैं तब, अगर हो गया है तो ठीक है, चलो एक और सवाल कर लेते हैं यार, मजा आएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, किसको स्टार्ट करने वाले हैं, इन इक्वालिटी को स्टार्ट, इन इक्वालिटी में हम मोड को स्टार्ट करने वाले, एक ऐसा मशीन जो आपको आलू ही आलू निकाल के देगा।
हाँ उसके बाद हम मोड को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ये आपके बड़ा होगा 6 से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, फटाफट करते हैं सर कि जी सिस्टम है। चलो यहाँ पर बात करते हैं, कुछ का कुछ आप बोलते रहते हो, हम तो यहाँ पर पढ़ने आए हैं और पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। आप चाहे आंधी आ जाए या तूफान, आप मैंने फ़ोन का बोला था, फ़ोन या तुम सपोर्ट करोगे तो फ़ोन भी ले आऊँगा, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलो हम पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, 6 से बड़ा है ना, तो इसका हमने लिख लिया 6 से बड़ा लिख लिया ना, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। सर तो ऐसा भी नहीं, तुम्हारे भैया हो तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा कुछ भी मत बोलना, ठीक है। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, तो राइट हैंड साइड में जीरो बनाने के लिए हम दोनों साइड क्या कर देंगे, 6 को माइनस कर देंगे, तो दोनों साइड 6 को माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 6 जीरो। इतना समझ में आता है ना, अगर समझ में नहीं आता तो एक काम कीजिए, इस 6 को इस साइड पक्षांतर कर लीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो हमने ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आया क्या, ठीक है। अब भैया हमें इसे निकालना है रूट, इसके शून्य के निकालना है, तो भैया ये ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने सुन रखा था 9th-10th में, अभी याद नहीं आ रहा है क्या है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिख रहा है। मजा तब जीने में है जब आग लगी हो सीने में, बिल्कुल आपके आग लगी है सीने में, ठीक है, पढ़ने के में तो आग लगी है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। पहले तो इसको आप देख लीजिए, ये समझ में आता है नहीं आता है, ठीक है, समझ में आता होगा यार, ये तो 10th की बात है, ठीक है ना। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, हमने लिख लिया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम भैया करेंगे कि यहाँ पर रूट निकाल लेंगे, एक्स प्लस 2 के रूट होते हैं माइनस का 2 और एक्स माइनस 2 के रूट होता है प्लस का 2। अच्छा आ गया समझ में, ठीक है। हाँ सर आपको भी बना सकते हैं लेकिन दोस्त नहीं, हाँ ठीक है ओके। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, इस नंबर लाइन के ऊपर इन वैल्यूज को रख लेंगे, ठीक है, वैल्यूज को रखा, तो यहाँ पर क्या है माइनस 2 और प्लस का 2, ठीक है। अब हम वापस क्या करेंगे, 3 भाग आ गए, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन तीनों भागों को हम चेक करेंगे कि कहाँ पर प्लस है कहाँ पर माइनस है, तो 2 से हमने ज़्यादा ले लिया 3 ले लिया, तो 3 प्लस 2 5 आता है पॉजिटिव, और 3 माइनस 2 क्या आता है 1, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है। माइनस 2 और 2 के बीच हम क्या लेंगे, सस्ता सुंदर टिकाऊ जेव लेंगे, तो जेव हमने रख लिया, तो जेव प्लस 2 प्लस का 2 पॉजिटिव और जीरो माइनस 2 माइनस का 2 जो कि है नेगेटिव, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताया कि है कि पॉजिटिव को आपको देखना ही नहीं है, जहां भी आपको नेगेटिव देखना है, अगर नेगेटिव विषम बार है ऑड टाइम्स है, विषम पॉजिटिव बोलते हैं विषम संख्या बार आ गया है ना, तो वहां पर आपको नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव सम संख्या बार आ गया तो वहां पर पॉजिटिव आएगा। इस बात को हम समझते हैं, जैसे कि ये देखिए माइनस का 2 से हमने कम लिया, कितना आ गया माइनस का 3, इस बात को देखना, माइनस का 3 प्लस का 2 कितना आ गया माइनस का 1, एक बार नेगेटिव ये हमने लिख लिया, एक बार नेगेटिव, माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना आ गया माइनस के 5 जो भी वह है, वापस एक बार नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव आ गए, सम टाइम्स आए इवन टाइम्स आए हैं, तो हम यहां पर लिख लेंगे पॉजिटिव। इस बात को तो अच्छे से समझते हो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब हमें बोल रखा भैया आपको लेना है पॉजिटिव, जीरो से ज्यादा लेना है, तो हम जीरो से ज्यादा लेंगे, तो ये वाला पॉजिटिव है और एक ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है, तो हम इसको लिख लेंगे। हाँ भैया आ गया समझ में, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ठीक है, 2 के ऊपर मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, आ गया समझ में, ठीक है। अब हम किसको करेंगे, इस सेकंड वाले को करेंगे सॉल्व, ठीक है। सेकंड वाले को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़े और लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 11। हाँ भैया आ गया समझ में। अच्छा अब हम क्या करते हैं, 11 को दोनों साइड क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 11 को दोनों साइड माइनस किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 11 माइनस 11 जीरो, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा क्या बन रहा है, ये भैया कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या होता है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। हाँ भैया इतना आता है समझ में, ठीक है। 10th के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, हाँ 10th के लिए ऑनलाइन क्लास में वापस अच्छा लगाने वाला हूँ, ऑनलाइन इसी तरीके से पढ़ाऊंगा 10th को भी, ठीक है। 10th के वाले भी टेंशन ना लीजिए, 10th वालों को तो पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे,
यहाँ आगे उसके बाद हम क्या करेंगे, वापिस निकालने वाले हैं इसके रूट, एक्स प्लस तीन के रूट आ गया माइनस तीन और एक्स माइनस तीन का आ गया तीन। वापस नंबर लाइन के ऊपर रख लेंगे, ये हमने रख लिया, ये माइनस का इनफाइनाइट और ये प्लस का इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमने रख लिया माइनस का तीन और ये आपका आ गया प्लस का तीन। ठीक है, प्लस के तीन से हमने ज़्यादा ले लिया चार ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा और चार माइनस एक जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस तीन और तीन के बीच हमने ले लिया जीरो जो कि सस्ता सुंदर टिकाऊ है, जीरो को ले लिया, तो यहाँ पर प्लस तीन पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, माइनस का तीन से कम लिया तो माइनस का चार, तो यहाँ पर क्या जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब हमें क्या बोला है भैया, हमें बोला है कि आप जो है ना क्या लो, नेगेटिव वाला पार्ट लो, मतलब ये वाला पार्ट लो, तो ये वाला हमने पार्ट ले लिया और यहाँ पर बोला गया है हमें कि इक्वल टू का साइन लगाओ आप, इसलिए हम किसका डायरेक्ट सर्कल का यूज करेंगे, तो फाइनल वैल्यू हमारी बनी है आंसर एक्स कहां से कौन से भाग से आता है, माइनस का तीन से प्लस के तीन वाले भाग से भैया आता है। इतना समझ गए ना, हाँ भैया इतना समझ गए, ये क्वेश्चन अच्छे से है, ये क्वेश्चन आपको आगे जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना वहां पर भी सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया आपके, ठीक है ना। हाँ जीव सस्ता सुंदर टिकाऊ, अच्छा तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लो, ये क्वेश्चन भी काम में आने वाला है। अच्छा ये वाला शायद दिख रहा होगा, ठीक है ये मैं बता यहाँ पर कहाँ बताऊँ मैं, चलो यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना, इसको क्वेश्चंस को लिखा भी कहो यहाँ काम आने वाला है। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, इन दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे और कॉमन पार्ट लेने के लिए हम लेंगे यहाँ पर एक बड़ी सी संख्या रेखा बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, ये हमने बना ली भैया, माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लिखेंगे किसको, इस वाले को जो इसके ऊपर संख्या है उसको भी लिख लेंगे, कितना है माइनस दो और माइनस तीन, ठीक है, और यहाँ पर कितना है माइनस तीन और प्लस तीन, तो हमने लिख लिया माइनस तीन माइनस दो उसके बाद दो और उसके बाद तीन। चलो ये वाला भाग कौन कौन सा है, ये वाला भाग है भैया माइनस दो से कम वाला, तो ये हमने ले लिया माइनस दो से कम, इस तरीके से हमने ले लिया, और यहाँ पर दो से ज़्यादा वाला, ये हमने ले लिया दो से ज़्यादा वाला। हाँ भैया इतना तो समझ में आता है हमें, अब तो हम समझदार हो गए हैं। तो अब ये वाला पार्ट कौन सा है, माइनस तीन से तीन वाला, ठीक है, ये आपका माइनस तीन से ये तीन आ गया, ये आपका इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अच्छा अब इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, भैया साफ देख रहे हैं कॉमन पार्ट, तो एक जैसा इलाका भैया, एक जैसा इलाका, जैसे कि राजस्थान और किसका यूपी वगैरह का कोई इलाका है ना, वो एक जैसा इलाका, ठीक है ना, ये आपका आ गया इलाका एक जैसा। अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, आंसर हो जाएगा माइनस तीन से माइनस दो यूनियन दो से तीन, हो जाएगा आंसर ना। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा, इसकी फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, माइनस तीन से एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू माइनस तीन से माइनस दो यूनियन दो से तीन, सभी जगह क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भरे हुए व्यतों का यूज किया है, डायरेक्ट सर्कल का यूज किया है, ठीक है, आ गया समझ में। सर प्लीज स्टार्ट करो क्लास 12th फिजिक्स, कोशिश करेंगे, फिलहाल तो इतना समझ में आ गया क्या, ओके समझ में, सचिन मालिक को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लास 12th है, कोशिश करूँगा, देखिए 10th क्लास वाले अभी बंदे 11th में आए हैं, तो पहले तो उनका देखूंगा ना भाई, आप 10th क्लास वाले मुझसे जुड़े हुए थे तो उनको पहले मैं देखूंगा, उसके बाद आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जिसमें आलू ही आलू आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, आ गया समझ में, ओके थैंक यू थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं और आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि इस इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉग। लॉग तो आपने सुन ही रखा होगा, ठीक है ना, लॉग के बारे में तो आपको, लॉग को तो अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। चलवा दीजिए सर, मारवाड़ी का यूज करो थोड़ा, अच्छा मारवाड़ी का यूज़ करो थोड़ा, थोड़ी सी आती है मारवाड़ी में, मैं जिस साइड रहता हूँ ना वहाँ पर थोड़ी अलग मारवाड़ी, वो आपको आएगी नहीं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस इन इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज, ठीक है ना, इक्वालिटीज क्या होती है, स्पेलिंग भी भूल जाता हूँ मैं, तो मॉड्यूलस इन इक्वालिटीज जिसको हम बोलते हैं मोड असमीका, मोड असमीका, ठीक है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं मोड असमीका, मुझे हिंदी मारवाड़ी वाली जो जयपुर वाली जो मारवाड़ी है ना वो मुझे नहीं आती है, तो मैं यूज नहीं कर सकता थोड़ा सा, ठीक है। इस बात को आप समझिए क्या, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखिए तो इस मोड में हम पढ़ेंगे, देखिए मोड एक ऐसा मशीन है, अच्छा लॉग में मुझे बहुत दिक्कत होती है, प्लीज सर वीडियो जल्दी, इसके बाद
जो भी टॉपिक है ना, इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो मॉड वाला ही पढ़ेंगे, मॉड ही पढ़ने वाले है, लेकिन मॉड सॉरी लॉग ही पढ़ने वाले, मॉड तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मॉड एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कुछ भी डालें ना तो हमें बाहर जो आएगा वो क्या आएगा, आलू ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा कहीं सुन रखा है लेकिन ऐसा होता नहीं है। मॉड के अंदर देखिए, मॉड एक क्या है, मशीन है। मॉड के अंदर हम जो भी वैल्यू डालेंगे ना वो हमेशा बाहर पॉजिटिव ही निकलेगी। क्या निकलेगी, पॉजिटिव। मतलब मॉड एक ऐसा मशीन है जो सभी वैल्यूज को क्या, आई एम फ्रॉम सेवी, आई कैन अंडरस्टैंड योर मायावाड़ी, ओके सचिन माली समझ सकते हो आप हमें मायावाड़ी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा तो देखिए मॉड को हम समझते हैं। मॉड को सबसे पहले तो ऐसे बताते हैं, ऐसा जब अब अगर कहीं भी आपको ऐसे दो खड़ी लाइन दिख जाए ना तो आप समझ लेना कि वहां पर हमें क्या बोल रखा है कि ये मॉड है, ठीक है, प्लस ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि देखिए मॉड के अंदर हमने कुछ भी डाल लिया, एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, इस गणित में कोई से भी वैल्यू डाल लो, हमेशा 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 वो उसको पॉजिटिव बनाकर ही बाहर निकलेगा। आप कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो उसको पॉजिटिव बनाकर ही बाहर भेजेगा। जैसे कि देखिए मैंने बोल लिया कि यहाँ पर मैं अंदर रख लेता हूँ माइनस का 10, ठीक है ना, तो इस माइनस का 10 को जब ये बाहर निकालेंगे ना मॉड, इस मॉड को खोलेंगे ना तो प्लस का 10 आ जाएगा, समझे बात। जैसे कि मैंने इसके अंदर रख लिया प्लस का 10, तो प्लस का 10 तो पहले से ही प्लस है, तो इसको बाहर निकाल कर ऐसे रख लेगा। बात को समझ होंगे, मतलब हमेशा आलू इज इक्वल टू जेवो, आलू इज इक्वल टू जेवो, आई लाइक योर मेथड फॉर स्टडी, ओके 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 ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इस मॉड के अंदर कुछ भी डालो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि देखिए हमने इसके अंदर डाल लिया माइनस का 9 9 9 9, कुछ भी डाल लिया कुछ भी, तो बाहर क्या आएगा, बाहर का प्लस का 9 9 9 9 9 आएगा। बात को समझ गए होंगे। और अगर पहले से अंदर प्लस होगा तो जैसे कि पहले से ये प्लस है, अंदर पहले से प्लस है तो भैया बाहर क्या आएगा, प्लस ही आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा, समझ के बात। तो ये आपके मॉड काम करता है। तो इसको देख कर हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया, प्रॉपर्टी नंबर एक। मॉड में तीन प्रॉपर्टी हम बेसिक पढ़ेंगे, मॉड आगे पढ़ेंगे हम मॉड का टेंशन मत लो, लेकिन हम बेसिक बता रहा हूँ। अब ये बेसिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको स्कूल में जब मॉड पढ़ाया जाएगा ना तो वहाँ पर आपको जब ये मॉड पढ़ाएंगे ना तो आपको पहले से आता होगा थोड़ा बहुत बेसिक, तो जब आपको टीचर कोई सवाल वगैरह पूछेंगे ना तो आप पहले से हाथ खड़े करके बता दोगे, तो जब सब जब बंदे क्लास के थे तो आपके तरफ मुंह करके देखेंगे भैया कहाँ से पढ़ा, तो वहाँ पर मजा आने वाला है, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर एक की मैं बात करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर एक क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से समझना, इन जनरल फॉर्म में बात करते हैं कि अगर मोड ऑफ एक्स अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अगर मोड ऑफ एक्स अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू भैया, अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए, अगर हमने एक्स के अंदर अल्फा रख लिया, अगर हमने एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू अल्फा रख ली तो भी हमें अल्फा ही मिलेगा, हाँ भैया। और अगर x के अंदर हमने माइनस अल्फा भी रख लिया तो भी हमें क्या मिलेगा, अल्फा ही मिलेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई। हमेशा मॉड में वैल्यूज इन जनरल जो है वो मॉड के अंदर x की जो वैल्यू 2 आती है। भाई x की वैल्यू अगर हम अल्फा रखेंगे तो भी कितना मिलेगा, आपको अल्फा ही मिलेगा, और x के अंदर अगर माइनस अल्फा भी रखेंगे तो भी हमें मिलने वाला है अल्फा ही। इस बात को आप समझते हो, फिजिक्स में एवर वाला टॉपिक है, अच्छा हाँ एवर वाला टॉपिक है, लेकिन अच्छे से अभी फिजिक्स में नहीं आया होगा तो यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा। इस बात को समझे ना, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर एक है मॉड की। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपको मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन के आगे आपके सामने है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 है तो आप इस एक्स की वैल्यू निकालिए। आप क्या करोगे, भैया हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, आपको जो है ना इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए कोई मेथड नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई विधि नहीं है, इसके अंदर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, इसलिए हमने इसको मशीन का नाम दिया है। हमने क्या बोला कि मोड एक्स इज इक्वल टू 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो भैया आप दिमाग लगाओ कि अगर एक्स की वैल्यू अगर हम 3 रख लेंगे तो भी हमें 3 ही मिलने वाला है, अगर x की वैल्यू हम 3 रख लेंगे तो भी हमें 3 ही मिलने वाला है, प्लस का 3 रखेंगे, और अगर x की वैल्यू हम माइनस का 3 रखेंगे तो भी हमें 3 ही मिलने वाला है। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 3 और माइनस का 3। इस बात को समझते हो क्या, हाँ भैया इस बात को तो हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन देता हूं मैं कि मोड एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया 4, ठीक है, तो x की वैल्यू आप निकालिए। तो x की वैल्यू देखिए, अगर आप x के वैल्यू प्लस का 4 रखेंगे तो भी भैया आपको 4 ही मिलने वाला है, और अगर आप x की वैल्यू माइनस का 4 रखेंगे तो भी हमें 4 ही मिलने वाला है, क्योंकि मोड एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप प्लस डालो या माइनस डालो हमेशा बाहर प्लस ही निकल कर आएगा। इस बात को समझते हो, ठीक है, वैल्यू जो है ना, जो मान है ना, वो मान चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस चेंज होगा
मतलब इसका साइन, इसकी आपके निशान चेंज होगा। ठीक है, अगर आप समझ गए हो मोड को, समझ गए हो तो पहले तो यस लिख के या थम भेजिए ताकि मैं स्टार्ट आगे इसके ऊपर एक बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ। इस बात को समझ गए ना मोड को? ठीक है, अब मुझे आप यस और नो में जवाब देना प्लीज। ठीक है, अगर मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्या यहाँ पर कोई एक्स की वैल्यू आएगी या नहीं? यस और नो में जवाब दीजिए। यस का मतलब एक्स की वैल्यू आएगी और नो का मतलब एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। जवाब दीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी? यहाँ पर मोड x इज इक्वल टू माइनस का 3 है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी ये बताइए। ठीक है ना, बता दीजिए। सिराग सोनी बोल रहे हैं नो, शायद नो नो। अच्छा, सचिन माली बोल रहे हैं नो। ठीक है, अभी तक दो ही अभी तक सवाल आया है नो शायद, अभी तक दो जनों ने आंसर दिया। फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसका? यस 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 नो यस नो यस आया है। ठीक है, अब देखिए जो लोग यहाँ पर, वैसे दो लोगों ने जवाब दिया है लेकिन जो लोग यहाँ पर यस बोल रहे हैं ना वो अभी तक थोड़े से अंधकार में है और जो नो बोल रहे हैं वो थोड़े से उजाले में है। कोई बात नहीं, आप अंधकार में हो ना तो मैं आपके ऊपर लाइट डालना आया, रोशनी डालना आया हूँ। मैंने क्या बोला है कि आप इस मोड के अंदर कुछ भी वैल्यू रखो, जो बाहर निकल के आएगा ना, जो बाहर निकल के आएगा वो हमेशा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आप इस मोड के अंदर कुछ भी रखो, आप इस मोड के अंदर कुछ भी रखो, जो बाहर निकल के आएगा ना वो हमेशा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर मोड के बाहर तो नेगेटिव आ गया, देखिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। और ऐसी कोई मोड में ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं कि वो बाहर जो वैल्यू है ना, जो हमें आंसर है ना, वो माइनस में दे दे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई एक्स की वैल्यू हो ही नहीं सकती। आप रख कर देखिए ना, आप बोल रहे हो कि 3 होगा इसका आंसर, चलो 3 रख कर देखते हैं। एक्स की वैल्यू हमने रख ली 3, तो क्या होगा, मोड ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें तो माइनस का 3 लाना है, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मोड की वैल्यू माइनस 3 आ जाए। बात को समझा गया? ऐसा कभी नहीं होगा कि मोड की वैल्यू माइनस में आ जाए। मोड की वैल्यू हमेशा हमेशा और हमेशा प्लस में ही आएगी। बात को समझे नहीं समझे? अगर समझ सके हो इसको पहले लिख लीजिए यार, ये काम में आने वाला है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से करके, यहाँ पर नेगेटिव करने के लिए यहाँ पर लिख लीजिए, ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि नॉट पॉसिबल, इसका क्या आंसर होगा, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि यहाँ पर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस में 3 आ जाए, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चक्कर पड़ गया। अच्छा, चक्कर क्या पड़ गया आंसर अभी क्या? ओके, सिराग सोनी बोल रहे हैं सॉरी, इसमें क्या, अभी आप तो समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो, समझने में प्रॉब्लम तो आती है। देखिए जब सक्सेस मिलती है ना, सक्सेस ऐसी नहीं मिलती कि हम दौड़ रहे, सक्सेस मिलने के लिए कई बार यार ठोकर खानी पड़ेगी, तो ठोकर तो आएगी लेकिन समझना पड़ेगा। इस बात को समझ गए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 पढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मॉड इनइक्वालिटीज, मॉड तो है लेकिन मॉड क्या है, इनइक्वालिटीज है। तो हम इनइक्वालिटीज, जब तक इसमें असमीकरण नहीं आए तब तक कैसे काम चलेगा? तो हमने ले लिया क्वेश्चन, आपको बोल लिया कि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। क्या बोल दिया, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3 है। इसकी वैल्यू निकालो, इसका आंसर निकालो। कैसे निकालेंगे हम, देखिए कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, चलो बात करते हैं इसको वैल्यू निकालने की। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में 0 है या नहीं है, यही देखना है। राइट हैंड साइड में 0 है या नहीं है भैया? राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 3 को। 3 को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो मोड एक्स माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर आ गया 0। अब भैया हमें समझ में आता है, ठीक है, इतना समझ में आता है ना। अब स्टेप सेकंड क्या था भैया, स्टेप सेकंड ये था कि आपको यहाँ पर इसके रूट निकालने, किसके रूट निकालने हैं, ये जो अंदर आया है ना इसके रूट निकालने हैं। अच्छा, रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वापस में बताता हूँ, किसी के भी रूट निकालने होना तो उसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं, कब देते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 0 कब आएगा, ये 0 कब तक आएगा, जब हम x की वैल्यू 3 ले लेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू हमने ले ली 3, तो x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो मोड ऑफ 3 कितना होता है, 3 माइनस 3, 0 आ गया। अच्छा, x की वैल्यू 3 लेने पर 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर x की वैल्यू माइनस 3 ले लेंगे तो क्या होगा, तो मोड ऑफ माइनस 3, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए माइनस 3 का मोड कितना होता है, 3, तो 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू इस पूरे का रूट कितना आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस 3, इसके 2 रूट आएंगे। इस बात को समझे या नहीं समझे, इस बात को समझे या नहीं समझे, अगर नहीं समझे हो तो और भी अच्छे से समझाता। देखिए हम आगे तो पढ़कर ही आए हैं ना, अब प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाइए यहां पर, मोड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम ढंग से लिख लेते हैं, मोड ऑफ x इज इक्वल टू 3 है,
ठीक है। अब मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्लस माइनस 3, ठीक है ना। तो इसके क्या हो गया, इसका जो है वो रूट कितना आ गया, प्लस माइनस 3, एक तो प्लस का 3 और एक है माइनस का 3। हाँ भैया इतना समझ में हमें आ रहा है, इतना समझ में आ गया। अगर ये समझ में आता है तो अब हम क्या करेंगे, हमने रूट निकाल ली है तो अब हम निकालेंगे क्या, अब हम लिखेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने ये बनाई, नंबर लाइन बनाई, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का इनफाइनाइट लिखा और प्लस का इनफाइनाइट लिखा, ठीक है। अब लिख लेंगे हम माइनस का 3 और प्लस का 3, ठीक है, ये हमने लिख लिया, लिख लिया ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, वही बात नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 भाग है, तीनों भागों को हम देखेंगे, 3 से ज्यादा ले लिया, क्या ले लिया, 4, ठीक है। तो मोड ऑफ 4 कितना होता है, 4 ही होता है, 4 माइनस 3 1 होता है, प्लस का होता है पॉजिटिव होता है, तो ये हमने ले लिया पॉजिटिव। अच्छा, माइनस 3 और 3 के बीच वही लोग सस्ता सुंदर टिकाऊ क्या है, 0। तो 0 का मोड कितना होता है, 0 ही होता है। माइनस 3 कितना हो गया, 0 माइनस 3 माइनस का 3 नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर हम ले लेंगे नेगेटिव। और माइनस 3 से कम गए तो कितना आ गया, मान लीजिए माइनस चार ले लिए, तो माइनस चार का मोड कितना होता है भैया, 4 ही होता है, माइनस मत लिख लेना, माइनस चार का मोड 4 होता है, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 पॉजिटिव होता है, तो ये हमने ले लिया पॉजिटिव। अब भैया हमें बोला है कि आपको पॉजिटिव वाली संख्या लेनी है, पॉजिटिव वाली संख्या लेने के लिए हम क्या करेंगे, वापस इस साइड जाएंगे और ये हम चलेंगे इस साइड, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव जो भाग है वो ले लेंगे, और इक्वल टू का साइन है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल ले लेंगे, भरा हुआ व्यत। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई, एक्स बिलोंग्स टू माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का 3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया है क्या, एक क्वेश्चन के जवाब तो दे दो प्लीज। हाँ क्वेश्चन, चलो जवाब दे देंगे फिलहाल, तो यहाँ पे पढ़िए यार, इस बात को थोड़ा फोकस कीजिए, इसका सवाल, इसको समझ में आया नहीं आया, हाँ भैया समझ में आ गया है, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। एक और क्या हो जाता है, सेम इसके जैसा ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। आपको बोला है एग्जाम्पल हम दूसरा करते हैं, तो आपको बोला है कि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 है, बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो बस वही होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड राइट हैंड साइड में 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, मोड एक्स माइनस 3, दोनों साइड 3 को माइनस कर देंगे, ये हमने कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसके रूट निकालना, तो इसके रूट तो वही आएंगे 3 और माइनस 3, ये हमने लिख लिया। उसके बाद वापस नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमने नंबर लाइन भी बना ली, माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, वापस ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। मैंने सेम सा एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर वापस सेम सा होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, बस ये होगा, ठीक है ना, हो गया ना। हाँ भैया इतना समझ में आता है। चलो अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का 3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। हाँ भैया इतना तो आता है समझ में, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पर चेंज ये है कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया गया था, और इक्वल टू का साइन नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस होलो सर्कल का खाली सर्कल को यूज करेंगे। हाँ भैया आ गया समझ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख कर, इन जनरल हम बात करें, इस क्वेश्चन को नोट्स मिलेंगे बहुत ही अच्छे से, अच्छे से नोट्स बना रखे मेरे पास, ये रखे है नोट्स, आपको जल्दी ही कहाँ से लेने वो मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन को देखकर हम इन जनरल बात करें तो हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आते हैं, वो हमें क्या बोलती है इस बात को देखते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में फर्स्ट एक पार्ट की हम बात करें, तो अगर मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है, तो एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस का इनफाइनाइट से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से इनफाइनाइट, ठीक है, बात समझे। अगर मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा है, तो एक्स बिलोंग्स करेगा, एक्स कहाँ से आएगा, माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का अल्फा, और इन अल्फा से क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। सेम इसके जैसा है, देखिए ये वाला है ना, ठीक है ना, सेम ये वाला। अब सेकंड वाला कौन सा होगा, सेकंड वाला ये होगा, ठीक है ना। मैंने इसको प्रूव करके बताया है, पहले आपको प्रूफ बताया है, उसके बाद मैं आपको सीधा ले जा रहे हो प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलता है, अगर मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन है, सिर्फ ग्रेटर देन अल्फा है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का अल्फा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन अल्फा से इनफाइनाइट, ठीक है ना। इस बात को समझ में आता होगा अच्छे से आपको, हाँ भैया अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, उतार लीजिए फटाफट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की, उसके लिए वापस एग्जाम्पल करते हैं, वापस इसको समझने की कोशिश करते हैं, नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे आपको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ नहीं चेंज करना है, क्वेश्चन तो वैल्यूज तो वही रखते हैं हम, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। क्या चेंज करते हैं, देखिए
इतना समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं, यहाँ पर अब हम बात करते हैं लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ और लेस देन, बात समझे ना। अच्छा यहाँ पर वापस राइट हैंड साइड में बनाना है जीरो, बनाना फटाफट करते हैं, राइट हैंड साइड में बनाना है अगर जीरो तो हम क्या कर लेंगे, तीन को दोनों साइड से माइनस कर देंगे, यह आ गया, इसके रूट कितने आ जाएंगे प्लस माइनस, कितना आ जाएंगे प्लस माइनस तीन, ठीक है। इसके वापस नंबर लाइन डो नंबर लाइन पर इसने प्लॉट किया, इसको हमने नंबर लाइन पर, तो हमें मिला यहाँ पर माइनस का तीन और ये प्लस का तीन, ठीक है। वापस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम उसके जैसे ही है, बस मैं तो आपको साइन बता रहा हूँ कि साइन किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर भैया आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर लेस देन बोला है, लेस देन जीरो बोला है, लेस देन जीरो बोला है तो माइनस का जो भी आएगा वो पार्ट आएगा, तो ये हम ले लेते हैं कौन सा पार्ट, ये वाला, और इक्वल्स टू बोला है तो हम डायरेक्ट सर्कल का यूज कर देंगे, डायरेक्ट सर्कल का यूज किया तो हमारा आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस का तीन से प्लस का तीन, आता है समझ में इतना। हाँ बिल्कुल भैया आता है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इतने तो समझदार हो गए हैं हम कि इशारों को समझ जाए, तो बस इशारों को समझ जाइए किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो यहाँ पर खूब ही होगी, बस थोड़ा सा समझने वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। वापस यहाँ पर आए, सेम सी घटना है, यहाँ पर भी दोनों साइड तीन से माइनस कर देंगे तो आपको मिल गया कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। हाँ भैया, अब वापस हम क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस माइनस तीन आ जाएगी। वापस हम नंबर लाइन को बना लेंगे, ये हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया नंबर लाइन को, तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस का तीन से प्लस का तीन आ जाएगा, और वापस ये प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, और हमें माइनस का बोला है तो हम बोलेंगे यहाँ से कि भैया यहाँ पर ये माइनस के तीन से तीन तक होगा, लेकिन क्या चेंज होगा, यहाँ पर खाली सर्कल आएगा, आएगा ना। हाँ भैया, अच्छा तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, x belongs to माइनस का तीन से तीन, बस यहाँ पर क्या आ गया, ओपन ब्रैकेट आ गया है। तो इसको देख कर हम बात करते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लिख ली, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। इस प्रॉपर्टी में हमें क्या बोला गया है उसको हम देखते हैं। भैया इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, देखिए अगर ए पार्ट की मैं बात करता हूँ, ए पार्ट में क्या होगा कि आपको अगर x मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा दिया गया है तो x बिलोंग्स करेगा आपको माइनस के अल्फा से अल्फा तक, ठीक है, माइनस के अल्फा से प्लस का अल्फा, क्या आएगा, ओपन क्लोज ब्रैकेट आएगा। बी वाले पार्ट में हम बात करते हैं, अगर मोड ऑफ x इज लेस देन, सिर्फ लेस देन अल्फा है तो x बिलोंग्स करेगा कहाँ से, अल्फा से, सॉरी एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस के अल्फा से अल्फा तक, ठीक है ना। इस बात को आप समझ जाओ यार, इस बात को समझने के लिए मुझे ट्वेल्थ में एक महीना लगा था, ठीक है, आप तो यहाँ पर भी समझ जाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो यह आपकी तीन प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी एक दो और तीन, तीनों प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम मॉड के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, आगे यह समझ में अच्छी बात है। सर लाइव क्लास का टाइम कितना है, लाइव क्लास का टाइम 7 से 8 बजे तक का है, उसमें हम अच्छे से मैथ को करते हैं 11th क्लास की, अब 10th क्लास के लिए भी लाइव आऊँगा मैं और वहाँ पर पढ़ाऊँगा। अब भैया आते हैं हम क्वेश्चंस पर, भैया क्वेश्चंस पे आते हैं, ये तो सब चलता रहता है, ये तो सब मोह माया है, कंसेप्ट को सबसे पहले समझ लिया, अब हम सबसे बड़ा जो सुख है ना, गणित का सबसे बड़ा सुख क्या है, क्वेश्चंस को करना, तो उस सुख के ऊपर आते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल फर्स्ट की, जिसमें बोला गया कि मोड एक्स माइनस तीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ये क्वेश्चन हमें बोला गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करें क्या, ठीक है सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए दो रास्ते बताता हूं मैं आपको, दो रास्ते बताता हूं, कौन सा रास्ता यूज करना है वो मैं बताता हूं। भैया प्रॉपर्टी नंबर एक देखता हूं, ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर एक छोड़िए, यहाँ पर क्या करना है कि आप एक काम कीजिए, इसको जो है ना दोनों तरफ प्लस तीन कर दो, इस तीन को इस साइड पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 होएगा ना, ये इस साइड पक्षांतर हो गया तो 9 + 3 = 12 हो जाएगा, इतना होगा, ठीक है भैया। अब हमें भैया प्रॉपर्टी नंबर दो क्या कहती है, दो का ए प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया अगर मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है तो एक्स की वैल्यू आती है क्या माइनस अल्फा से, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से माइनस अल्फा, ठीक है, यूनियन अल्फा से इनफाइनाइट, ठीक है ना, इतना समझ में आता। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 12 यूनियन 12 से इनफाइनाइट। हाँ भैया ये हो जाएगा, इतना आराम से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये वाली प्रोसेस हमें बहुत ही कम यूज़ करनी है। क्यों कम यूज़ करनी है, क्योंकि इसको अगर हम करते रहे ना तो थोड़ा सा हमारे इसे टेंडेंसी हो जाएगी घटने की, फिर आप एक टाइम आएगा फिर आप बोलोगे कि भैया एक हमें फॉर्मूला बता दो, उस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे और काम हमारा हो जाएगा। भैया ऐसे काम बोर्ड में चलता है, अब आपको IIT का एग्जाम भी देना है और अगर बोर्ड का भी देना है ना, देखिए बोर्ड में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं तो उसमें काम हो जाता है, लेकिन IIT में थोड़े बहुत घुमा के देते हैं
इसलिए हम बेसिक मैथ में बेसिक का ही यूज करेंगे, ठीक है, बेसिक को ही लेकर चलेंगे और जिससे आपका ये काम हो जाएगा। बेसिक क्या था भैया कि जब भी आप इसको देखो ना, ये पहले मेथड मैंने बता दिया, अब दूसरा बताता हूं। जब भी आप इसको देखो ना तो हम यही बात करेंगे कि इसके राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए भैया। तो राइट हैंड साइड में हमने जीरो बनाने के लिए दोनों साइड नॉर्थ से माइनस कर दिया, तो x मोड ऑफ x माइनस 3 माइनस का 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा। इतना समझे भैया हम, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, आगे समझ में। अच्छा अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, देखिए x की वैल्यू 12 लेंगे तो भी यहाँ पर 12 आएगा और 12 माइनस 12 कितना होता है जीरो। अच्छा x हम 12 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां से हम x की वैल्यू माइनस 12 ले लिया, तो माइनस 12 माइनस 12 का मोड कितना होता है 12 होता है, तो 12 माइनस 12 वापस कितना हो जाएगा प्लस का जीरो, ठीक है ना। इस बात को आप समझते हो, प्लस का जीरो नहीं जीरो ही होगा, इस बात को आप समझो ना। यहाँ से x की वैल्यू मैंने कैसे निकाली इस बात को समझे होंगे, नहीं समझे वापस मैं समझा देता हूँ यार थोड़ी सी। आप तो यार मतलब ऐसे करते हो, कई नन्ने मुन्ने बच्चे हो इस तरीके से करते हो, या मुन्ना आप बंद बोलो, अब तो मुन्ना से आप थोड़े से मुन्ना भाई बन गए हो आप तो, ठीक है। चलो अब देखिए इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, मैंने प्रॉपर्टी फर्स्ट बताई थी कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 12 आ गया, और यहाँ से मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, एक्स की वैल्यू हम अगर प्लस का 12 रखेंगे तो भी 12 ही आएगी और माइनस का 12 रखेंगे तो भी 12 आएगी, तो यहाँ से मैंने वही लिखा है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है चलो हम बात करते हैं, इसको आगे बढ़े थोड़ा सा आगे बढ़े, और यहाँ पर इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं। नंबर लाइन प्लॉट किया तो ये आपका माइनस 12 हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का इनफाइनाइट और ये प्लस का इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्लस, ये तीन सेक्शन हो गए, इन तीनों के क्या करेंगे साइन चेक करेंगे। प्लस 12 से ज्यादा हमने ले लिया 13, तो 13 माइनस 13 का मूल कितना होता है 13 ही होता है, 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा प्लस का 1 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया माइनस 12 और 12 के बीच में क्या आता है जीरो आता है ना, जो कि क्या है सस्ता सुंदर टिकाऊ, तो जीरो का मोड जीरो ही होता है, जीरो माइनस 12 माइनस का 12 हो जाएगा जो कि नेगेटिव में होता है, तो ये आपका हो गया नेगेटिव। और माइनस 12 से हमने कम चले मान लीजिए माइनस 13 ले लिया, तो माइनस 13 का मोड कितना होता है 13 माइनस 12 प्लस का 1 होता है, तो ये आपका पॉजिटिव भाग आ गया, ठीक है, आ गया ना, हाँ भैया आ गया, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इसको क्या बोला गया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो देखिए ये आपका ये आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव भाग और ये भी आपका हो गया पॉजिटिव भाग, ठीक है ना। लगभग बोल ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप थक गए हो पढ़ पढ़कर, ठीक है। चलो ये लास्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा अगर थक गए हो तो, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे, x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 12 यूनियन 12 से इनफाइनाइट, हाँ भैया हमें आ गया समझ में, इस तरीके से करना है, बेसिक से लेकर चलना है। अगर कोई लाइव में बैठा हुआ है मेरे अलावा तो यहाँ पर यस वगैरह लिख कर भेज सकते हो, और अगर आप थक गए हो तो हम आज की इस क्लास का समापन करते हैं बहुत ही अच्छे से, मोड वाले क्वेश्चन थोड़े से कम कर लेंगे कल कर देंगे, ठीक है। आपका सपोर्ट होगा तो फटाफट कोर्स कंप्लीट होगा और आप भी ऐसे बीच में जाने लगे, अब तो तीन जने बंदे ही देख रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया होगा शायद तक, ठीक है ना। अच्छा यस 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 लाइव क्लास का, अच्छा सिवाक सोनी बैठे हुए, थैंक यू आपका जज्बा जुनून जोश देख के मुझे लग रहा है कि आपने जो सपना ले रखा है ना IIT के गेट तक जाने का, वो पूरा कंप्लीट होगा, अच्छे से पूरा होगा, और पप्पा के साथ सेल्फी आप जरूर खिंचवाओगे, अच्छी बात है, खिंचवाओ यार सेल्फी लो पप्पा के साथ, सोशल मीडिया पर डालो कि मेरा जो सपना था IIT में जाने का वो पूरा हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक यू सर, चलो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे देखिए कंसेप्ट क्लियर हो गया, बाकी तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स प्लस 4 ठीक है इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को हम करते हैं वापस, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बेसिक से चलना है, मैंने क्या बताया बेसिक, भैया बेसिक ये है कि राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए राइट हैंड साइड में जीरो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड 6 से माइनस कर देंगे, तो मोड ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस का 6 और यहाँ पर भी 6 माइनस 6 से जीरो हो जाएगा, हाँ भैया ठीक है। अच्छा तो मोड ऑफ एक्स ठीक है, अच्छा मोड ऑफ एक्स, चलो मोड ऑफ एक्स माइनस का 2 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, आ गया समझ में। अच्छा भैया हमें समझ में आता है याद तक, तो याद तक अगर समझ में आ गया है
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके रूट निकालेंगे। और अब तो आप इतने समझदार हो गए हो, इशारों को समझने लगे हो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, अगर x की वैल्यू हम दो लेंगे ना तो भी मोड ऑफ दो दो आएगा और दो माइनस दो जीरो होगा। अच्छा ये हम ले लिए दो, और अगर x की वैल्यू माइनस दो लेंगे तो माइनस दो का मोड भी दो होगा और दो माइनस दो जीरो आ जाएगा। तो हमें तो जीरो ही तो लाने हैं ना, हमें तो रूट ही चाहिए। तो ये इसके रूट हो गए, प्लस का दो और माइनस का दो। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा इस नंबर लाइन को बनाया और ये आपका आ गया माइनस दो और ये है आपका प्लस दो। ठीक है, माइनस का इनफाइनाइट और ये प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, दो से हमने ज्यादा लिया, दो से ज्यादा मान लो हमने ले लिया तीन। अच्छा तीन का मोड कितना होता है, तीन ही होता है, तीन माइनस दो कितना होता है एक। तो ये आपका पॉजिटिव आ गया, तो इसको हमने ले लिया पॉजिटिव। माइनस दो और दो के बीच वापस जीरो ले लिया। ठीक है, तो जीरो ले लिया तो जीरो का मोड जीरो ही होता है, जीरो माइनस दो, माइनस का दो जो कि आ गया नेगेटिव, ये आपका आ गया नेगेटिव। ठीक है, और माइनस दो से हम कम चले तो क्या आ गया आपके पास, माइनस का तीन, माइनस के तीन का मोड वापस तीन होता है, तीन माइनस दो एक होता है जो कि क्या है पॉजिटिव। ये बात हम को समझ में आती है, हाँ भैया आती है। अब हम बोला गया कि जीरो से कम, जीरो से कम मतलब माइनस वाली संख्या। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो हमने ये इसको लगा लिया। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली है, यहाँ से वैल्यू मिली है माइनस के टू से टू। इसको आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला है प्रॉपर्टी से करोगे ना तो आगे आके आप फंस जाओगे, और कैसे फंसोगे ना वो मैं कल बताऊंगा। आज के लिए आप थक गए हो लगता है, आप थक गए हो, कोई बात नहीं। इसको आज तक हमने जो भी पढ़ाया ना उसको अच्छे से वापस समझ लेना, अच्छे से जो भी डाउट हो तो कहाँ पर डाउट है वो लिखे कर अच्छे से वापस उस पार्ट को देख लेना पहली बार। अच्छा दूसरी बात क्या, अच्छा समझ में नहीं आया है, अच्छा नहीं सर ठीक है, थक गए हो शायद, आप अकेले ही हो ना, अब कल और स्टार्ट करेंगे फेस, तब तक के लिए आज या एक घंटा हो गया है आपका, टाइम हो ही गया है, तो बस या इस तरीके से मेहनत करते रहिए, कल हम लॉग स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा ये मोड का थोड़ा सा पार्ट हो गया है, थोड़े दो तीन क्वेश्चन ही बाकी है, उसको हम करके फिर स्टार्ट करेंगे लॉग। लॉग बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, समझने में अच्छा, समझने में जो है वो मजा आएगा। ठीक है, और उसके बाद यार थोड़ा कोशिश करो अपने भाई वगैरह जो भी पढ़ते हैं साथ में ना, उसको बताओ कि यार भैया से पढ़ लो, थोड़ा आओ यूट्यूब को बताओ कि हम यार पढ़ सकते हैं, भैया को सपोर्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करो, जिससे बस वही कि नया एक फ़ोन ला लूँ जिससे आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाए। ठीक है, तो बस इसी के साथ ही आज ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आपको पढ़ कर बहुत ही बढ़िया मज़ा आया होगा, और साथ ही साथ 10th क्लास के लिए भी लाइव आने वाले है, और साथ ही साथ DPPs भी मिलने वाले, इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हेलो सर, अब तो खत्म होने वाला है, ठीक है, हेलो भी बोल दीजिए, अभी मैं आपको बाय बोलने वाला हूँ। ठीक है, लेट आयो कोई बात नहीं, बाकी हेलो 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 हेलो, कल वापस आ जाना 7 बजे, संजय राठौड़ कल 7 बजे आ जाना, अगर मैथ अच्छी लगती है पढ़ना है तो। ठीक है ना, तो बस इसी के साथ आज कंप्लीट करते हैं, कल आ जाना, इसके क्वेश्चन जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसके मैं क्वेश्चंस दूंगा आप सबको। क्वेश्चंस कहने हैं, क्वेश्चंस का लाइक किया सर, ओके थैंक यू। क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम भी ढूंढेंगे, इसका डिस्कशन करने वाला है, NCERT के हर एक क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स मेरे भी मैथ्स है, ओके कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, संजय भैया से जुड़े रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए यार, मेहनत करेंगे हम, आप भी मेहनत करो बस। ठीक है, थैंक यू, ये बेसिक ही है भैया, ये बेसिक ही है। ठीक है ना, ये बेसिक ही चल रहा है, आपको मैथ के 16 चैप्टर पढ़ाने के लिए पहले ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, ये बेसिक ही चल रहा है, आप शायद आज ही आए हो मुझे लग रहा है संजय राठौड़ जी, तो इसके बेसिक का ये थर्ड लेक्चर है, बेसिक मैथ के तीनों लेक्चर्स देख लीजिए यार, इनइक्वालिटीज बेसिक ही पढ़ा रहा है, कल हम चालू करेंगे लॉग। ठीक है, चलो तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पढ़ने के लिए, थैंक यू, थैंक यू।